गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम आलोक गुप्ता फ्रॉम आरबीसीबी स्कूल. ओके, टुडे आई रीड क्लास 5th ईवीएस चैप्टर 4. चैप्टर नेम है ब्रीदिंग. ठीक है, आप सभी के पास बुक होगी, आप बुक में देख सकते हैं. इसमें लिखा गया है कि आप अपने माउथ को, नोज को क्लोज करें. ठीक है, उसके बाद आप देखें, ट्राई करें, देखें. ठीक, कि हमें सांस को न लेने, यानी कि हवा जब हमारे बॉडी में नहीं जा पाती है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है. ठीक है, यहां पे फर्स्ट पॉइंट ही दिया है ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, गिविंग आउट एयर. ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एयर को टेक यानी कि लेना और एयर को बाहर निकालना. ठीक है, ये क्या है, ये ब्रीदिंग है. ठीक है, यानी कि हवा को जब हम अंदर लेते हैं तो उसे इनहेल या इनहेलिंग कहेंगे, और इस समय हमारा चेस्ट क्या है, एक्सपेंड. एक्सपेंड मतलब जैसे कोई बैलून है उसमें हम हवा भरते हैं वो क्या होता है, फूल जाता है. इसी तरह हम अपने, जब हमारे लंग में हवा भर जाता है तो हमारा जो चेस्ट है बाहर की तरफ, आउटसाइड में निकलता है. और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं सेम बैलून की तरह, तो बैलून जैसे क्या होता है, पिचक जाता है, उसी तरह हमारा चेस्ट भी अंदर की तरफ दब जाता है. तो इनहेलिंग यानी जब हवा को हम अंदर लेते हैं उसे इनहेलिंग कहेंगे, और हवा को जब बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सहेलिंग. तो आप समझ गए ना. अब देखिए हमारा ये जो रिब केज है, हवा को लेते हैं तो ये क्या होता है, फैलता सिकुड़ता है. दूसरी बात कि ये रिब केज प्रोटेक्शन देता है किसको, तो हमारे डेलेसियस ऑर्गन जैसे लंग हो गया, हार्ट हो गया. ठीक है, ये सब चीजें हैं. अब आगे देखते हैं क्या है, रेट ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, क्या है, रेट ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, रेट यानी कि ब्रीदिंग का दर. ठीक, रेट क्या है, तो जनरली ब्रीदिंग का रेट तो हम जिस तरह वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है. जैसे हम कोई हार्ड एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे हैं उस समय हमारा ब्रीदिंग रेट कुछ अलग होता है. नॉर्मली रूप से हम स्लीपिंग कर रहे हैं या नॉर्मल बैठे हुए हैं उस समय रेट अलग होता है. लेकिन ए नॉर्मल एडल्ट हार्ट बीट इज 72 टाइम्स इन ए मिनट, यानी कि नॉर्मली रूप से हम 72 टाइम्स एक मिनट में क्या होता है, हमारा हार्ट जो है कि बीट करता है. ठीक, हाउ टू ब्रीद. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू ब्रीद. ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो दैट वी ब्रीद थ्रू आवर नोज. हम जानते हैं कि हम अपने नोज से क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं. द एयर इंटर द नोज थ्रू नोस्ट्रिल, यानी हमारे नोज के माध्यम से, नोस्ट्रिल यानी नासा छिद्र के माध्यम से हवा क्या होती है, अंदर जाती है. द हेयर एंड म्यूकस, यहां जैसे हमारे नोज में देखेंगे तो हेयर होता है और म्यूकस कुछ श्लेष्म होते हैं, वो क्या कहते हैं, बाहरी डस्ट को या जो भी हानिकारक चीजें हैं उसे बाहरी एक नेट की तरह छान देती है. ठीक है, उसके बाद जो फ्रेश एयर है कहा जाता है ट्रेक एंड कॉजिंग, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो है कि चला जाता है, कहां पे, लंग में चला जाता है, और फिर हम लंग के माध्यम से उसमें से ऑक्सीजन हमारे बॉडी को प्रोवाइड हो जाता है, और फिर सभी प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं. ठीक है, ये सब चीजें हम जानते हैं. इसमें
कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।